आखिर भैया राज छुपाना है तो कोई अक्षरा सिंह से सीखे। भाई शादी करने जा रही हैं और किसी के कानों कान खबर भी नहीं है। भाई अब हम क्या कहें, दर्शकों का दिल टूटेगा, हजारों दीवाने इनके नाम की माला जपेंगे, लेकिन अक्षरा सिंह हो जाएंगी किसी और की क्या जनाब हो चुकी हैं। तो देख लीजिए इनके शादी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि हम आपके पास लेकर आए हैं, और शायद कहीं देखने को मिले या न मिले, लेकिन ज्यादा डीपली घुसिए मत, ये रियल नहीं है, रील है। जी हाँ, अक्षरा सिंह शादी कर रही है राजा राजकुमार के सेट पर, वो भी रितेश पांडे के साथ, और न जाने कितनी शादियां करेंगी रितेश पांडे से। जी हाँ, हर एक फिल्म में जितनी भी फिल्में उनके साथ रितेश पांडे की आ रही हैं, उसमें वो उनकी दुल्हन ही बनी है। अब तो दर्शकों को शक होने लगा है कहीं रितेश पांडे से अक्षरा सिंह जल्द से जल्द शादी तो नहीं करेंगे। वैसे भी आपको बता दें कि रितेश पांडे के घर वाले उन पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं शादी करने का। वो तो रितेश पांडे अपने करियर की दुहाई देकर शादी के नाम पे बचते जा रहे हैं, और अक्षरा सिंह इसलिए नहीं शादी करना चाह रही हैं क्योंकि उनका करियर काफी अच्छा चल रहा है, और वो नहीं चाहती कि करियर के इस मुकाम पर जाकर वो जल्द से जल्द शादी करे या फिर शादी जैसा कोई बड़ा डिसीजन ले। लेकिन खैर, अक्षरा जी आपके दर्शकों के साथ साथ हमें भी अब यही लगने लगा है कि जिस तरह आप फिल्मी सेट पर लगातार रितेश पांडे से फिल्मों में शादी करती जा रही हैं, इससे तो साफ ही जाहिर होता है कि कहीं आपके दिल में भी तो रितेश पांडे के लिए इश्क वाले लव की फीलिंग जाग उठी है, क्योंकि अब आपके फैंस आपका नाम पवन के साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन मिटाते जा रहे हैं और उसके आगे रितेश पांडे का नाम लिखते जा रहे हैं। ऐसे अक्षरा सिंह जी, हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी हो, एटलीस्ट अगर आप किसी रिलेशन में रहेंगी तो दर्शकों को ये खुशखबरी भी बहुत जल्दी से मिल जाएगी कि आप जल्द से जल्द शादी करने वाली हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।